नमस्ते एवरीवन। सो वेलकम। हमने बात की गोल्स की, हमने बात की व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स वी हैव टू यूज व्हाइल सेटिंग आवर गोल्स। आज एक और बात करते हैं, लक्ष्य के बिना जिंदगी, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ मायने नहीं रखती। सो गोल्स बनाते वक्त चार बातों का विशेष ध्यान रखना है। वो चार बातें क्या है? सबसे पहले, यू शुड हैव रिटन गोल्स। रिटन वर्ड्स हैव लॉट ऑफ पावर। सो एक स्टडी किया गया 1979 में, एक मैनेजमेंट स्कूल था जिससे पास आउट हुए थे कुछ स्टूडेंट्स। सो जब वो पास आउट हुए, उस समय उनसे पूछा गया कि भाई अब तुम्हारे जिंदगी में क्या है, व्हाट आर योर गोल्स। सो उसमें से सिर्फ 3% हैड रिटन देयर गोल्स एंड रेस्ट हैड नो प्लान, नो गोल्स, नथिंग। आफ्टर 10 ईयर्स, जब उन सारे स्टूडेंट्स को वापस कॉन्टैक्ट किया गया, तो ऐसा पता चला कि वो जो 3% लोग थे, वो सुपर सक्सेसफुल है लाइफ में, और जो वो बिना गोल्स के बाकी जो स्टूडेंट्स थे, दे वर जस्ट डूइंग गुड, सम ऑफ देम फेल, सम, कोई उनका प्लान नहीं था। सो रिटन गोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला उसूल है गोल सेटिंग का, ओके? सेकंड है, रीड योर गोल्स एवरी डे। हर रोज आपका जो भी आपने गोल सेट किए उनको पढ़िए। रोज नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट वीकली आप अपने गोल्स को पढ़िए, क्योंकि जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपको जो पूरे हो गए उसके लिए खुशी महसूस होती है, या एक आपको इंसेंटिव मिलता है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू अचीव इन लाइफ। देन एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव अ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका टीचर, एनीबॉडी, वो जो जिसको आप हमेशा ये फीडबैक देंगे कि ओके, मेरा ये गोल था, मैं यहाँ तक आ गई, इतना हो गया, अब इतना बचा है, एंड सो ऑन। सो दैट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो एक चेक की तरह होता है, आपको चेक करता रहता है वो, यू नो, हमको भी लगता है ओ उसको बताना है, अरे कुछ भी नहीं हुआ 15 दिन में, अब तो उसको क्या बोलूंगी। सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स इन अचीविंग आवर गोल। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा होता है रिव्यू योर गोल। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हमने अपना गोल बनाया, बट मे बी आफ्टर 2 मंथ्स हमको लगे कि वो गोल ही सही नहीं है। मे बी उसका, या कोई टेक्निक्स जो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगी गोल्स के लिए, सो वो जो टेक्निक्स आपने सोची वो सही नहीं है। सो व्हेन वी रिव्यू आवर गोल, वन, वी कम टू नो कि शॉर्टकमिंग्स क्या थी, क्या रास्ता हम अप्लाई करें कि हम जल्दी अचीव कर पाए हमारा गोल। तो ऐसे हमको चार चीजें आज के लिए, 4 things, राइट योर गोल्स, देन रीड योर गोल्स ईदर डेली और वीकली, देन हैव अ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो आपके ऊपर एक चेक की तरह है कि आपने सही किया, गलत किया, कितना किया, कितने दिन में किया। And last and foremost, review your goal. How much have you been successful, or how much is left, or maybe you can change your strategy, you can have new things in that, or maybe you can delete few steps. So by reviewing, you come to know. So very recently, मैंने किताब लिखी थी, तो जब आप किताब की proof reading करते हैं ना, it's like that. तो आपको पता चलता ओ ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ऐसा। सिंस किताब की बात ही उठ गई है, तो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि वेन वी हैव अ गोल, सो आई वॉज वॉन्टिंग टू राइट अ बुक। काफी 6-7 महीनों से सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे किताब लिखो, किताब लिखो, एंड मुझे भी लग रहा था कि हाँ एक किताब मैं लिखती हूँ, बट वो किताब मैनिफेस्ट ही नहीं हो रही। देन वन फाइन डे माई सिस्टर, हु इज माई अकाउंटेबिलिटी चेक वाला पार्टनर है वो मेरा, उसने मुझे बोला कि यू टेक अ रजिस्टर, उस पर हेडिंग लगा अपना बुक का, एंड एवरी डे यू राइट। ऑफकोर्स एवरी डे मैंने नहीं लिखा, बट मैंने एक रजिस्टर जरूर खरीदा अपने किताब के लिए, और उस पर हेडिंग भी दिया,
Then after a month or two, I had set a target. Navratri ke 9 din, I am going to write my book, aur Dashere wala din, I will give it to the publisher. And जब मैंने ये अपने मन से ये गोल बना लिया, टाइम पीरियड लिख लिया, सेट कर लिया, 9 दिन में नवरात्रि की दुर्गा माँ की ब्यूटीफुल एनर्जीज, I wrote my book और दशहरे पे I went and gave it to the publisher. So ऐसे इसमें क्या होता है, अगर मैं अपना गोल सेट नहीं करती, मैं ये नहीं सोचती कि 9 दिन में ही मुझे बुक लिखना है, दशहरा जो ऑस्पिशियस डे है उस दिन मुझे जाके पब्लिशर को देना है, तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता कि मैं किताब नहीं लिखती. बट आई डोंट नो 2021 में वो किताब लिखी जाती या नहीं लिखी जाती. इसीलिए गोल सेटिंग एंड टाइम, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फोर थिंग्स, रिटन गोल्स, आई रोट माई गोल, then you have to read it every day, accountability partner, and review your goal. Atma Namaste everyone, see you all tomorrow with another strategy. Have a beautiful day, like and subscribe my channel, spread it around apne doston mein, kyunki agar aap meri madad karenge to koi aapki bhi madad karne ke liye aayega. It is in giving that you receive. Ye ek aur naya mantra. Atma Namaste.